हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बच्चों, हम लोग जो है मेंटल मैथ एक्टिविटी जो कि पेज नंबर आपका 23 पर है, जो एडिशन का हम लोग अभी चैप्टर समाप्त किए हैं एड का, उसी से रिलेटेड आपका एक मेंटल मैथ एक्टिविटी दिया गया है। लिखा एक फिगर दिया हुआ है बच्चों, लिखा है सी दिस पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को आपको सावधानीपूर्वक देखना है, उसके बाद क्या करना है, नीचे लिखा गया है क्वेश्चन आपका, जैसे काउंट एंड ऐड दीज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट तो दिए गए हैं यहाँ पर, फिगर में ऑब्जेक्ट दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको आपको काउंट करना है, ये दो ग्रुप में बटे हुए हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो है दो ग्रुप में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे फिगर में, दोनों ग्रुप के ऑब्जेक्ट को आपको काउंट करना है अलग अलग, उसके बाद उसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लेस किया हुआ है इसका, ठीक है, वो उसको राइट करके आप उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, सम हो जाएगा उसका, ठीक है। तो मतलब उसको काउंट करना है और ऐड करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया इसका ये बैलून आप देख रहे हैं, बैलून ये बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए बैलून का हम काउंट कर रहे हैं, तो आप ऊपर देख रहे हैं कितने बैलून है, 1 2 3 यहाँ पर है, और उसके बाद दूसरे ग्रुप में देखेंगे 1 2 3 यहाँ पर भी है। तो हम बैलून के लिए क्या करेंगे, 3 + 3 = इसको आप ऐड कर देंगे, एक बार किया गया है, ठीक है, एक बार आपको बनाया गया है, केवल आपको उसमें पहले काउंट करके राइट करना है, एक काउंट करके राइट करेंगे उसके बाद आपको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा। उसी प्रकार से एप्पल का देखेंगे बेटा, एप्पल भी आपका दो ग्रुप में है। देखिए इस टेबल पर इधर रखा गया है प्लेट में, और इधर भी प्लेट में रखा गया है। इस साइड में आप देखेंगे तो 2 है, और इस साइड में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है। तो हम क्या लिखेंगे, एप्पल लिखेंगे बेटा 2 + 6 = आपका आएगा 8। इस तरीके से आपको जो है बना हुआ है, ये उसको ऐड करके इसको आप इसको लिखना है, ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे, इसको आपको फिट करेंगे। हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर अप टू 10, ठीक है। आप नंबर आप नंबर अप टू 10 ठीक है, मतलब 10 तक की जो संख्याएं हैं, 10 तक का जो नंबर होता है, 10 तक का नंबर, उसका हम लोग सबट्रैक्शन इस चैप्टर में सीखेंगे। चैप्टर नंबर आपका जो थर्ड है, चैप्टर नंबर थर्ड 3, यहाँ देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं बेटा सबट्रैक्शन क्या होता है। लिखा है सबट्रैक्शन मीन्स टेक अवे, ठीक है। सबट्रैक्शन मीन्स क्या होता है बच्चों, टेक अवे, मतलब यहाँ लिखा है इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल माइनस, विच इज कॉल्ड माइनस, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है, तो एक कोई भी आपका जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए आप एक बना हुआ है, ठीक है, ये आप एक आपके बने हुए हैं, आप इसमें से हम जो है एक अवे शुरू कर देते हैं, TAKE AWAY, टेक अवे टू, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट ये आपका बना हुआ है, ठीक है, टू है, इसमें टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं उसमें से हमको टेक अवे टू करना है,
3 और 3 और 8
वाह क्वेश्चन है आपका, यहाँ का पर आएगा क्वेश्चन, तीन बार फ्री हो गए, तीन जो है बार क्या हो गई, फ्री हो गई मतलब उड़ गई, उड़ करके चली गई, राम और धूप वाल एक बार, एक बार के समय में जो कि कहाँ पर है, आंध्र वाल जो कि दीवार पर बैठी थी, ठीक है, दीवार पर बैठी थी, आठ बार चली थी, क्या हो गया, थ्री बार मतलब आठ चिड़िया बैठी थी, उसमें से तीन चिड़िया जो है क्या हो गई, थ्री वाले मतलब उड़ गई, तब इसके लिए कौन सा आप जो है कैसे इक्वेशन तैयार कर रहे, यहाँ पर देखिए इसके लिए आप बनाएंगे ए माइनस थ्री और कितने हो जाएंगे वर्ड थ्री, तो आपका आ जाएगा एट माइनस थ्री करेंगे बेटा, एट माइनस थ्री जब करेंगे तो इसके लिए आप कट स्ट्रोक मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे एट नाइन लाख में आठ फोर फाइव सिक्स सेवन एट, उसके बाद दूसरी लाइन आप रख सकते हैं वन टू थ्री, तो आप मेन लाइन का रख सकते वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये जो फाइव आएगा ये आएगा लेफ्ट पर है, अब वन पर जो है थ्री बनेगी फाइव, इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो आपका एसटी और टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया है, ये तो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके बाद जो है आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, देखिए बेटा ये तरीके का क्वेश्चन कैसे आया, आपको जैसे सेवन माइनस टू इज इक्वल टू, या फिर एट माइनस फाइव इक्वल टू, या फिर नाइन माइनस थ्री इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका आपको डिफरेंस तैयार बेटा फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेवन है तो आप सेवन लाइन लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, उसके बाद ये जो है आप देख रहे हैं इसको माइनस कहा जाता है और एक शब्द है, ठीक है, जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको माइनस बोलते हैं, और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है मतलब टेक अप किया जाता है उसको हम जो है सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, और सिंपल आप जान रहे हैं जो है माइनस का सिंपल है, ठीक, तो हम जो है पहले माइनस के ऊपर जो है लाइन ड्रा करते हैं, जैसे यहाँ पर सेवन है तो सेवन लाइन हमने ड्रा कर दिया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट जो आपका टू दिया गया है इसकी इक्वल लाइन क्या करते हैं कट करते हैं, वन टू लाइन कट कर देंगे, और उसके बाद फिर लाइन को आप काम करेंगे वन तो उसको हम जो है डिफरेंस करते हैं या डिवाइडर करते हैं, ठीक है, इसमें देखिए आप वन टू थ्री फोर फोर उसके बाद आप देखते हैं, ठीक है, इक्वल भी आप कर लेंगे तो फाइव हो जाएगा, तो सबसे पहले सेवन है इसको माइनस और इसको माइनस, ये सिंबल जो है इसको क्या बोलते हैं माइनस, और सिंबल के बाद जो आपको नंबर दिख रहा है इसको सकते हैं इसको इन इक्वल टू और इसको डिफरेंस या रिमाइंडर, ये कहा जाता है आपके बुक में लिखा गया है उसको आप देख लेंगे, और इसी तरीके से कट स्ट्रोक मेथड का यूज करके आगे देखिए यहाँ पर लिखा है एट माइनस फाइव, एट आपका माइनस हो गया, लाइन आप उसके बाद जो सत्र है आपका फाइव उसके ऊपर लाइन कट करेंगे चाहे ऊपर से करिए चाहे नीचे से, वन टू थ्री फोर फाइव, रिमेन लाइन काम करेंगे वन टू थ्री, क्या है आपको थ्री
ध्यान रखिए एक क्या है, एक बिजनेस है, ठीक है, या बिजनेस है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ लिखिए देखिए, 9 - 3, ठीक है, 9 आपका माइनस हो गया, 9 को लाइन क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कितना है, जो 3 है, 3 के इक्वल लाइन आप कर देंगे, ठीक है, 1, 2, 3 इकट हो गया, रिमेन लाइन को काम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका जो ये आंसर है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस या डिमीटर, ठीक है। आइए ऐसे की ओर से क्वेश्चन देखिए बेटा,
तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर।